हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप क्लॉक के बारे में। स्टॉप क्लॉक क्या होती है और स्टॉप क्लॉक का कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टॉप क्लॉक के फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्विच लगा हुआ है, ये ऑन और ऑफ करने वाला स्विच है। और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, ये है बैक स्विच। और अगर इसके पीछे बात करें तो इसके बैक साइड में यहाँ पे ये देख सकते हैं स्विच लगा हुआ है, ये है चाबी। यहाँ से चाबी भरी जाती है। अभी ये सब हम बताएंगे कैसे वर्क करता है। और इसके फ्रंट में आ जाते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक 60 सेकंड है। और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल देख पा रहे होंगे, छोटी सी सुई लगी हुई है। यहाँ पे ये मिनट इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है एक स्विच, ये जैसा कि अभी हमने बताया एक ऑन और ऑफ करने वाला स्विच है। तो इसको यहाँ से हम ऑन कर देंगे, ऊपर की तरफ ऐसे ऑन कर देंगे। जैसे ही ऑन करेंगे चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब सपोज दैट हमको इसको 15 पे रोकना है, तो जब ये 15 पे आ जाएगी तो इसको हम रोकेंगे। और ये ऑन भी यहीं से होता है और ऑफ भी यहीं से होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 15 पे आ गई, जैसे ही आ गई तो इसको हम यहाँ से रोक देंगे, ठीक है। थोड़ा रोकने में लेट हो गए तो 2 सेकंड और आगे बढ़ गई। अब हमें फिर से 1 से स्टार्ट करना, तो इस स्विच को वापस कैसे ले जाएं? तो इसको वापस ले जाने के लिए इस स्विच का हम इस्तेमाल करेंगे। इसको जैसे ही प्रेस करेंगे ये देखो वापस 0 पे पहुंच गई। अब यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें फिर से अगर स्टार्ट करना है तो यहाँ से फिर से ऑन कर देंगे, इसको ऊपर की तरफ करेंगे, ये ऑन हो जाएगी। देखो ये चलना स्टार्ट हो गया। देखिए 5 पे रोकना है, हमने 5 पे इसको एग्जैक्ट रोक दिया, ठीक है। अब हमें फिर वापस जाना है, फिर वापस जाने के लिए इसको हम फिर प्रेस करेंगे, ये फिर वापस पहुंच गई। इसी स्टॉप क्लॉक में ना तो कोई सेल पड़ता है ना ये कोई सीरीज चलती है, फिर ये चलती कैसे है? तो इसको चलाने के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अभी जैसे हमने बताया था एक चाबी लगी होती है, इस चाबी को भरना पड़ता है। जब इसको चाबी को भर देंगे आप तो अंदर जो होता है तो इसमें गियर जो है वो भर जाते हैं, उसी से ये राउंड किया करती है। और जब ये चलना बंद हो जाती है इस चाबी को आप फिर भर दीजिए तो ये फिर चलना स्टार्ट कर देगी। अब चलिए बताते हैं इस चाबी को भरेंगे कैसे। सपोज करिए ये स्टॉप क्लॉक अब चलना बंद हो गई, अब इसमें राउंड नहीं हो रहे हैं, तो इसको बैक साइड में पहले करेंगे। बैक साइड में करने के बाद यहाँ से इस चाबी को हम भर देंगे। देखो ये जहाँ तक चाहे आप वहाँ तक भर सकते हैं, ठीक। अब देखो चाबी भर चुकी है, अब इसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे। ये तब करना है जब स्टॉप क्लॉक बिल्कुल चलना बंद हो जाए, तब करना है, ओके। तो यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे, फिर देखो चलना स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से ये चलती रहेगी। तो स्टॉप क्लॉक के बारे में हमने जाना, उसके सारे फंक्शन जाने, कैसे काम करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। गुड बाय।